की राहें, तो देखते रहिए तेज निगाहें ऑनलाइन न्यूज। गगन सिनेमा बस स्टैंड पर 165 रूट नंबर की बस में झपटमार ने मोबाइल झपट अपने साथी को दिया, साथी मोबाइल लेकर फरार हो गया। युवक ने झपटमार को दबोचकर शोर मचाया, शोर सुनकर मौके पर जनता झपटमार की धुनाई कर डाली। पुलिस के सामने भी जनता का रोष थमा नहीं और आरोपी की पुलिस के सामने ही पिटाई करी। रवि नाम का युवक 165 रूट नंबर की बस से गगन सिनेमा से जा रहा था, तभी उसकी जेब में से युवक ने मोबाइल निकाल अपने दूसरे साथी को दे दिया। युवक मोबाइल लेकर फरार हो गया। पीड़ित ने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया तो वहीं उसकी पिटाई करने लगा। इतने ही भीड़ जमा हो गई और स्नेचर की पिटाई की। पुलिस के आने के बाद भी जनता स्नेचर की पिटाई करती रही। इन तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह लोगों का रोष झपटमार पर उतर रहा है। बड़ी मुश्किल से PCR पुलिस ने आरोपी को पब्लिक से छुड़ाकर थाने ले आई। बस में जा रहा था काम पे, वो इसने फोन चुराया, जेब में से निकाला और दूसरे को पकड़ा दिया, वो भाग गया, वैसे मैंने पकड़ लिया, ही मेरे को ही मारने लगा। कितने लोग थे ये? ये 20 जने थे, 10-12 जने थे। कौन सी बस में हुआ ये घटना? ये 165 बस थी, यहाँ से बैठा था मैं गगन से, यहाँ जा रहा था मैं बेंगलोर, जेब में से निकाला, मैंने देख लिया, इसने निकाला और इसने दूसरे पकड़ा, मैंने इसे पकड़ लिया, वो भी स्टैंड आ गया। इसलिए जनता की माने तो इस रूट की बसों में झपटमारों का काफी आतंक है। बस में सफर करने वाली जनता दहशत में रहती है, जो झपटमारों को पकड़ता है उसे उल्टा पीटकर फरार हो जाते हैं। इस घटना में भी यही हुआ, मगर मौके पर जमा भीड़ ने झपटमार की पिटाई कर डाली और पुलिस को सौंप दिया। दिनेश सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली। What are you doing?